नमस्कार दोस्तों, अभी अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मातम में बदली शादी की खुशियां, सात फेरे लेने से पहले ही दूल्हे की आरती उठी। जी हां साथियों, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास रहने वाली है। राजस्थान के झालावाड़ में एक शादी की खुशियां मातम में बदल गई। शादी से पहले दूल्हे की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना खानपुर तहसील के ओदपुर गाँव की है, जहाँ दूल्हे की मौत के बाद परिवार और दुल्हन के घर में कोहराम मच गया। और दोस्तों कोहराम तो मचना ही था, क्योंकि दोस्तों शादी से पहले अभी तो सात फेरे भी नहीं हुए थे कि दूल्हे की करंट लगने के कारण दोस्तों अचानक दर्दनाक मौत हो जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक 27 साल का बहादुर सिंह सुबह खेत पर पानी की मोटर बंद करने गया था। मोटर में करंट आने की वजह से बहादुर सिंह वहीं बेहोश हो गया और जब सुबह तक घर नहीं लौटा तो उसके भाई उसे देखने खेत पहुंचे। बहादुर सिंह ट्रांसफार्मर के पास पड़ा हुआ था, जिसके बाद उसका भाई उसे तुरंत उठाकर कोटा जिले के सागोद सीएचसी लेकर गया, जहां डॉक्टर ने दूल्हे को मृत घोषित कर दिया। बता दें कि उसकी शादी होने वाली थी और घर पर मेहमान भी पहुंच चुके थे। बहादुर सिंह के परिजनों ने बताया कि बहादुर की शादी 22 फरवरी बुधवार को कोटा में खुशबू कुमारी मीणा नाम की युवती से होनी थी। शादी को लेकर दूल्हा दुल्हन दोनों बहुत खुश थे। दोनों घरों में शादी की जोरदार तैयारियां चल रही थी और सजावट के साथ ही निमंत्रण कार्ड भी बढ़ चुके थे। परिवार में बड़ा होने के कारण दूल्हा बहादुर सिंह की कई जिम्मेदारियां थी। दूल्हे के पिता की मौत 17 साल पहले ही हो चुकी है। बहादुर सिंह 10वीं तक की पढ़ाई कर चुका था और गांव में खेती का काम कर रहा था। उसका छोटा भाई राम विलास मीणा पढ़ाई कर रहा है। जैसे ही बहादुर की मौत की खबर मिली, दूल्हे के घर में ही नहीं पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया। अब गांव में बारात की जगह बहादुर सिंह की अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही है। जी हाँ साथियों, आप चाहे देश के किसी भी राज्य में रह रहे हो, हर राज्य की बिल्कुल लेटेस्ट और सटीक जानकारी हमारे चैनल पर आपको सबसे पहले मिलेगी। साथियों, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस प्रकार की लापरवाही आप बिल्कुल भी न करें, ताकि दोस्तों इस प्रकार का कोई हादसा हो जाए। अब घर वाले ही नहीं पूरे गांव में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ उसकी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।